चौकीदार हूँ, चौकीदार। विधायक तो ठीक है, चौकीदार है, परंतु तो रेस्ट हाउस का चौकीदार है। नमस्कार, मैं अजय। अच्छा जी, अगर बात करा चर्चाओं की, अध्याय की, तो विकास की और समाज सेवा की, तो मास्टर सतवीर रिथर एक ऐसा व्यक्तित्व है, हल्के के अंदर बात करूँगी, जिले के अंदर बात करूँगी, शहर के अंदर बात करूँगी, जो भाई वास्तव में यह है कि आम आदमी की आज ये दिन है कि भगवान उम्र लगावे लदो बदो मालिक किसने दे यो मान दे या गली गली चर्चा तो रही है। तो काम काम हो रहे हो, तो काम काम हो रहे हो, तो काम काम की व्यवस्था के मान लो दूसरी बार की बताए की काम की। नमस्ते, नमस्कार अजय भाई, आपका धन्यवाद, एनसी न्यूज का बहुत धन्यवाद, आप भी बड़ा संघर्ष कर रहे हो। तो जो हमारे इलाके का विधायक है दूसरी बार विधायक है, जैसे बार बार भी कहना अच्छा नहीं लगता, रेस्ट हाउस में है, वहीं लोगों से मिलते हैं, वहीं अपना तय कर लेते हैं जब कुछ करना है और वहीं से वापस चले जाते हैं। जिस प्रकार लोगों ने इनको आम आदमी थी, लोगों ने चंदा दे करके सहयोग करके इनको वोट दे करके विधानसभा तक पहुँचाया, तो इनकी जो जिम्मेवारी है वो पूरी जिम्मेवारी जिस प्रकार से हल करने की। जिस प्रकार से खरा अलग की बात करूँ तो पंचायत हो जाए है और बाबा भी बन लाड़ है, आप लोग बहुत विधायक बने हैं सर। जब इलाके में हल्का पौड़ी खड़ा में पक्ष के लोग इकट्ठे कर लेते हैं, वाह वाह करते हैं, जब उन पर आम समाज और पूरा इलाके की आम जनता तो जो सच्चाई बोलती उसमें भी आप गए थे। पीछे कलंगा गाँव में भी लोगों ने पंचायत करके भी विरोध किया है कि तो इस पंचायत का मैं तो सुनता उसका वो पहले तो भाई विपक्ष के रूप की पंचायत कर लूँ, बाद में बोल रहे विपक्ष रूप की पंचायत कर आप नेता और नेता भी सब प्रमुख समाजी, तो आप इस बात को थोड़ा विस्तार से बताएं कि ये के पहलू बनाया काम राम का, किस तरह पंचायत इकट्ठी हुई, किस तरह क्या बना, किस तरह नहीं बना, किस तरह तय के लिए आने वाले वक्त में अच्छी साबित हो सकती है या बुरी साबित हो सकती है, कुल क्या सब बात पूरी काट। ये जो पंचायत है या विधानसभा के लोग अपनी बात रख रहे हैं और बताना चाह रहे हैं, लोगों की आवाज को दबा रहे हैं कि हमारे इलाके में ये काम होना चाहिए। अब हमारे इलाके के 35 गांवों का तो प्रमुख मुद्दा है सुंदर बराज का पानी, अच्छा, जो पूर्व में भी तीन बार विधायक रहा है, हमारे विधायक रहे हैं और दो बार से अब ये विधायक है। तो इलाके में खेती मुख्य धंधा है और सुंदर बराज में जो 10 दिन पानी 15 दिन पानी चलना चाहिए, पहले 10 दिन हुआ, फिर 7 दिन, अब 3 दिन देता है और इलाके की जनता को पानी की सख्त जरूरत है क्योंकि खेती पे ही सारे लोग निर्भर हैं, तो पानी बंद है बिल्कुल, आता है तो 2 दिन आता है, कभी 3 दिन आता है। बात क्या की अगर विधायक तकड़ा हो, विधायक काम का हो, तो सुंदर नहर का पानी 35 गांवों को मिल पाए। हाँ, विधायक की जिम्मेवारी है, विधायक अपनी बात को रखे विधानसभा में कि उस समय में भाई ये बता रहे हैं अधिकारी लोग, ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने लिख के दिया था कि पानी एक सप्ताह कर देना थी, पर से हमारे चौधरी बंसीलाल जी की सरकार थी, उन्होंने एक सप्ताह कर दिया, 2 सप्ताह थी, परंतु उस समय कोई समस्या रही होगी, 2 सप्ताह से 1 सप्ताह इस इलाके की जनता ने करवा लिया पानी, परंतु आज पानी की बहुत जरूरत है। आज समस्या हमारी 2 सप्ताह की है कि 2 सप्ताह चलना थी, उस समय 1 सप्ताह की डिमांड थी, 1 सप्ताह चलना थी, 2 सप्ताह कर देना थी, और एमएलए की जिम्मेवारी है कि विधानसभा में अपने तरीके से बात रखे और तरीके से रख करके बात वहाँ अपनी ये बात मनवाए सरकार से कि आज हमारा इलाका सूखा है और कोई साधन नहीं है और पानी हमारे 2 सप्ताह चलना चाहिए ताकि इलाके की जनता अच्छी तरह खेती पे डिपेंड है, अपना काम करे। विधायक तो ठीक है, चौकीदार है, परंतु रेस्ट हाउस का चौकीदार है। ये तो हुई 35 गांवों की बात, बाकी जो काम बचे क्योंकि आपके गांव की बात में 5 से 3-4 दिन काम रहती है, तब से हल्का चुमन काम है, तो बाकी गांव की स्थिति मान लो काम का बोल रहा है। जब विधायक के गांव की स्थिति ये है, करक और कलंगा जिन्होंने इस विधायक को जन्म दिया है, इस विधायक को पैदा किया है,
पैसे दे कर रात दिन मदद करके लोगों ने पानी तक नहीं दिया, अपनी रोटी के साथ ले जाते, उन्होंने इसको बनाया। उन गाँवों का यह हाल है, बाकी बाकी का क्या होगा होता है, इससे बुरा हाल है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई ज्ञान गिनती नहीं। बोवाड़ी खेड़ा कितना बड़ा कस्बा है, कुछ नहीं हो रहा है। एम बी नहीं आ रहा है, एक साल से विकास का लिए जीरो, कोई कहीं सुनाई नहीं है, कोई किसी को पूछता नहीं है। दोबारा हरियाणा सरकार ने ये जो केस था खोल दिया है, और वॉइस के नमूने के लिए भी ऑर्डर चार बार मिले, परंतु वॉइस के नमूने नहीं दे रहे, क्योंकि इनका लूट की आदमी, ये गरीब आदमी थे, मजदूरी करके अपना पेट भरते थे, परंतु जनता ने इनको विधानसभा तक पहुंचा, चंदा दिया, फिर इनका 10% कमीशन की चैन, यानी कि आंगनबाड़ी वर्कर को 70,000 रुपये एससी पे और जनरल के 1,00,000 की तक, और तो डी ग्रुप में 5,00,000 के बड़े हैं, लूट मचाई है, यानी आज तक मचाया है, लूट का मचाया आज तक, भाई अलकर है खोखला करते हैं पूरा, इन्होंने किसी का हल्के में बगैर पैसे पे काम नहीं किया। गरीब ये जनता भी गरीब को छोटे हैं, और सोना भी इतना लिया 35 किलो तो सोना कटा के रखे, उनमें चैन कड़ी अंगूठियां भगवान बता रहा हूँ। जिस प्रकार से नेताओं ने आपके हल्के का नाश कर दिया, विनाश कर दिया, सब कुछ कर दिया, आपकी बातों से ये लगता भी है और देखा जा सकता है। तो जो पंचायत होना है, चौकीदार बन जाए हैं, फिर सर्वे दौरे शुरू करते हैं, वो लोगों को लुभाने शुरू कर रहे हैं, ये लोग फिर से चंडीगढ़ से रेस्ट हाउस से लोली को बुलाओ बड़ा बड़ा कामानी खिलाई जनता को शरीफ है। इन्होंने करीब 25 साल से एक बारी वो आ जाए कि दोनों चोर चोर मुसेरे भाई दोनों मिलकर के लड़ाई लड़ ले हैं और एक जीत जाए, परंतु अब की बार हजारों युवा साथी और सामाजिक साथी जो सामाजिक काम करते हैं वो लोग इनके ऊपर ध्यान भी रख रहे हैं और जनता भी जागरूक हुई है, भाई कौन गुटकी लिया करता, कौन 10% लिया करता, किसी भाई के 1,00,000 लिया करते, आंगनबाड़ी वर्कर के कितने रुपये लिया करते, इनकी आंगनबाड़ी विधवा के भी 70,000 एस सी के जागरूक हो रही है, जागरूक परिवर्तन मंच के हजारों साथी जागरूक करने में लगे।
आप लोगों ने समझना है, यानी जिन्होंने लूट मचा रखी तुम्हारा वोट लेके तुम्हारी बात नहीं करते, कमीशन में लगे हुए हैं हर चीज में, जो आंगनवाड़ी वर्कर से लेकर के किसी भी पोस्ट तक हर बात पे कितना पैसा मिलेगा, जो मलेरिया की दवाई छिड़काव में भी यानी कि पैसा मेरे भाई को कितना मिलेगा, पैसा पूरा पैसा यानी ड्रेन सफाई में कितना मिलेगा, पंचायत का सरपंच कितना कमीशन देगा, ये सिर्फ 5 साल इसी काम में लगे रहे। तो आयतन पूरी लूट मात्र है, अब भी बड़ी लालसा है जल्दी से मैंने एमएलए बना दे और फिर मैं पूरा सौदा लूट लूं, बेटा भर नहीं रहे पूरे आके को बेचना चाहते हैं, इनकी सोच ये है किसी इलाके की जनता को बिल्कुल बेच दे, हर चीज में हमारा कमीशन हो, ये तो चाहिए यानी कि इस इलाके में बच्चा भी पैदा हो तो भी इनका कमीशन तय हो सकता है, ये ले सके बच्चा पैदा होने में कमीशन मांग सके दे दो। हमारे सवाल आपके ऊपर बने कि हल्के जनता आपको ऊपर भी सब जनता लगी और आपका नाम मेरा उसे भी होना रहे डाल कर कपड़ रहे चलो मैं मेरा कमरे चलो आप तो मेरा वो बता रहे हैं सर्वे हुई है लोग बता रहे हैं तो मस्ती इस प्रकार से आप दोनों आदमी तो सुनो ठान ला रहे हो भविष्य में हल्के ने आपको विश्वास जताया आपको लगे ना आपका बहुत आशीर्वाद दिया तो आप भी तो इस तरह निपट पड़ो इस तरह की नेता करना भाई साहब मेरी रिकॉर्डिंग आपके पास है रिकॉर्डिंग मेरी ना किसी भावना ना आज तक मैं लूटने वाला होता तो समाज सेवा के लिए मैं काम करता ना मेरी इसी कोई भावना ना मैं ऐसा कुछ चाहता समाज के लिए काम करेंगे समाज की सेवा में रहेंगे और जो भगवान ने दिया है या जनता का जो आशीर्वाद है जनता के लिए रहेंगे तो बेचारे ये कुछ नेता है जो तकलीफ में है क्योंकि जब हम किसी की तकलीफ क्या नाम की वो तकलीफ जनता की सेवा करने का नाम की है या वास्तविकता में जो ये आप आज अपने हल्के के लोगों से मिलना मतलब वो है जनता जनता इनसे जवाब मांग रही जब हम हल्के में की गरीब बेटी की अग्निवीर भर्ती में अच्छे विद्यार्थी के लिए जो माता की सेवा के लिए बिना माँ बाप के बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं या जो बेटियां हैं जिनके माँ बाप नहीं उनकी शादी में विशेष सहयोग तो लोग जब ये लोगों के विद्यार्थी लोग पूछ रहे तुमने क्या किया वो तकलीफ है इनको इनको लोग बार बार पूछ रहे तुमने क्या किया 15 साल तू रहा 10 साल के ना मैं तमिल की तरह जनता के लिए समाज के लिए गरीब बेटी के लिए गाँव के लिए गरीब आदमी के लिए कोई काम करेगी सिर्फ कमीशन लेने का आप मुझे परमिशन दे कि वैसे भी नेता जी को वीडियो देखा कि जो जो मेन नेता है मैं चुम्बन गांव से मैं भी शुरू करना चाहूँगा देखूँगा कि कौन रहा पोजीशन है किस तरह की पोजीशन है वास्तव में हल्के की दशा देखी जा सका है और कितना हल्का विकास कर सका है चाहे पूर्व नेता थे चाहे वर्तमान के नेता है चाहे वर्तमान के नेता भविष्य नेता बनने वाले हैं तो अब सर्वे आप सुन रहे मास्टर जी सर्वे फिर बांटेगा इसका परिणाम भारी रहेगा किस तरह का रहेगा लेकिन मास्टर से तैयारी है कि सोशल वर्कर करता रहेगा या डिपार्टमेंट एम्प्लॉय करता रहेगा या खड़े समाज करता रहेगा या वास्तव में कुछ सीट बजा के बैठने की तैयारी कर रहे हैं कि उठा दस कलम करो तो काम हो जाएगा ये तो जनता बिठावे तो मैं तैयार हूँ बैठने के लिए समाज और भाईचारा और जनता कहेगी तो मैं बैठने के लिए तैयारी करूंगा चुनाव लड़ूंगा यदि समाज और जनता कहेगी नहीं तो समाज की काम करूंगा समाज की सेवा करूंगा मास्टर चिंता काटेगा जनता कहेगी और समाज के लोग कहेंगे जनता कहेगी समाज के लोग कहेंगे हल्का कहेगा तो मास्टर सुधीर रहेगा चिंता करने को तैयार है 2024 के चुनाव ठीक है तो अब आते रहेंगे जाते रहेंगे और हल्का में मेरे को एक बढ़िया काम मिलेगा अब ये हल्का और भी हल्का सर्वे शुरू कर देंगे भाई किस नेता को हल्के लोग चाहते हैं अच्छी बात है इसका आम काम और काम के दाम दोनों काम हो जाएंगे मेरा पड़ जाएगा हल्का मेरा पड़ जाएगा और मैंने पब्लिसिटी का मेरा पड़ जाएगा जे सिंह से अजय नायक और दिनेश देव से खास